पिछले एक महीने से भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह चर्चा में हैं। कारण है पवन सिंह का काराकट लोकसभा से चुनाव लड़ना। हालांकि नामांकन के अंतिम दिन पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने भी काराकट सीट से नामांकन कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर उनकी मां ने यहां से नामांकन क्यों किया। बता दें 9 मई को पवन सिंह ने सासाराम के समरणालय में अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन फिर 14 मई को उनकी मां प्रतिमा देवी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रतिमा देवी 10 से 12 लोगों के साथ अंतिम वक्त में समरणालय में पहुंची और चुपचाप नामांकन पत्र दाखिल करके चली गई। इस दौरान मीडिया के समक्ष पूरी गोपनीयता रखी गई। मीडिया को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होने दी गई। इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। पहले 2 लोगों के साथ प्रतिमा देवी ने परिसर में प्रवेश किया, बाद में धीरे धीरे सभी प्रस्तावक समरणालय के परिसर में पहुंची और इसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया और वहां से निकल गई। अब सवाल उठता है कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की मां ने अचानक नामांकन क्यों दाखिल किया। जानकारों की माने तो पवन सिंह ने अपनी मां का नामांकन इसलिए कराया है कि अगर विषम परिस्थिति में उनका नामांकन रद्द हो जाता है तो मां के नाम पर वे चुनाव में बने रह सकते हैं। कुछ लोगों ने दबी जुबान से यह भी बताया कि निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव आयोग द्वारा सीमित संसाधन का उपयोग करने का निर्देश है। संभवतः चुनाव के दौरान समुचित संसाधन के लिए ही अपनी माता का नाम नामांकन में लिखवाया होगा। काराकट लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होना है। पहले से ही एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा इस मैदान में हैं। साथ ही साथ अब जिस तरीके से पवन सिंह लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों का जोश देखने को मिल रहा है, ऐसे में यहां पर चुनाव और भी ज़्यादा मज़ेदार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।